डियर फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है मैंगो कल्टीवेशन। तो यह है मैंगो कल्टीवेशन में आज फाइनल टॉपिक है फ्रेंड्स। इससे पीछे हम मैंगो कल्टीवेशन में फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन मैंगो, इंपॉर्टेंट वैरायटीज ऑफ मैंगो, न्यू रिलीज वैरायटी तायोन तमागो, मैंगो हाइब्रिडाइजेशन एंड केजिंग टेक्निक, फ्रूट ड्रॉप, अल्टरनेट बियरिंग एंड पॉली एम्ब्रियोनी इन मैंगो, इन सब टॉपिक को कवर कर चुके हैं। तो आज की इस क्लास में रिमेनिंग जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको और देखेंगे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मैंगो। मैंगो का बोटनिकल नेम क्या है? मैंगिफेरा इंडिका। यह है एनाकार्डियेसी फैमिली की फ्रूट क्रॉप है और अगर इसका ओरिजिन प्लेस देखें तो यह इंडो बर्मा रीजन से ओरिजिनेट मानी जाती है। फ्रेंड्स इसका जो फ्रूट होता है वह ड्रूपेशियस टाइप होता है, यानी ड्रूप कहलाता है इसका फल। तो ड्रूप क्या होता है? ड्रूप एक सिंपल फ्लैशी फ्रूट है जिसके अंदर सिंगल सीड होता है। अगर इसका एडिबल पोर्शन देखें तो मीजोकार्प यानी मध्य फल भित्ति जो है इसका खाद्य भाग है। फ्रेंड्स यह एक एलो पॉलीप्लॉइड एम्फीडिप्लॉइड फ्रूट क्रॉप है। एम्फीडिप्लॉइड यानी एक इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड हैविंग एटलीस्ट वन कंप्लीट डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम फ्रॉम ईच पेरेंट स्पीसीज, यानी हर जो पेरेंट स्पीसीज है उससे डिप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम आता है। इसमें गुणसूत्र संख्या देखें तो मोनोसोमिक नंबर x इज इक्वल टू 10 और 2n इज इक्वल टू 4x 40 होता है। और अगर इसमें सेक्स फॉर्म देखें तो यह एक एंड्रोमोनोसियस सेक्स फॉर्म वाली क्रॉप है। एंड्रोमोनोसियस यानी जिसमें मेल फ्लावर है और हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर का प्रोडक्शन होता है। हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर कौन से होते हैं? जो उभयलिंगी पुष्प होते हैं जिनमें नर और मादा एक साथ आते हैं। तो इसमें दो तरह के फ्लावर्स आते हैं, एक तो मेल आते हैं, एक परफेक्ट फ्लावर यानी हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर आता है। तो फ्रेंड्स मैंगो जो है वह हाईली हेट्रोजाइगस होता है, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप होती है और इसमें जो क्रॉस पोलिनेशन है वह हाउस फ्लाई के द्वारा होता है। साथ ही यह एक क्लाइमेक्ट्रिक ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप है। क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट कौन से होते हैं? ऐसे फ्रूट जिनको प्रॉपर मेच्योरिटी आ जाने पर अगर हार्वेस्टिंग कर ली जाती है तो वह जो स्टोरेज में है उनको राइपन किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये पीछे राजस्थान पत्रिका में एक न्यूज आई थी जो बहुत अच्छी न्यूज थी। तो इसमें यह बताया गया है कि जो टॉप जो 5 उत्पादक देश हैं उनके बारे में बताया गया है। तो टॉप 5 उत्पादक देशों में भारत जो है वह पहले स्थान पर है। इसी तरह चाइना जो है सेकंड रैंक रखता है प्रोडक्शन में। और अगर निर्यात में हिस्सेदारी देखें तो मेक्सिको जो है वह मैक्सिमम निर्यात करता है और भारत जो है वह मेक्सिको की तुलना में बहुत कम निर्यात करता है। यहाँ हम इसमें इजीली देख सकते हैं। तो निर्यात में अगर हिस्सेदारी देखें तो सबसे ज़्यादा मेक्सिको है, उसके बाद है नीदरलैंड, थाईलैंड, ब्राज़ील। और दुनिया के कुल फल उत्पादन में हिस्सेदारी अगर देखें तो 57% हिस्सा जो है केले और आम का है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो जितना टोटल फ्रूट प्रोडक्शन होता है उसका 29.4% केले का प्रोडक्शन होता है और इसी तरह आम का जो प्रोडक्शन है वह 28%। तो फ्रेंड्स मैंगो इज नोन एज नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। इसे अन्य कई नामों से भी जाना जाता है जैसे किंग ऑफ फ्रूट्स, बाथरूम फ्रूट, एम्बेसडर ऑफ इंडियन फ्रूट्स। तो जीनस मैंगिफेरा जो है उसके अंदर 41 स्पीसीज है जिसमें से मैंगिफेरा इंडिका जो है वह कमर्शियली कल्टीवेटेड की जाती है। फ्रेंड्स यह हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंगो का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? इंडिया में। लेकिन प्रोडक्टिविटी अगर देखी जाए तो यह वर्ल्ड में वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा है। इंडिया में आंध्र प्रदेश जो है टोटल प्रोडक्शन में और उत्तर प्रदेश जो है एरिया वाइज टॉप रैंक रखता है। इसी तरह इंडिया जो है वर्ल्ड में टोटल मैंगो प्रोडक्शन का 54.2% शेयर करता है। फ्रेंड्स इंडिया में तमिलनाडु में कन्याकुमारी और मदुरई ऐसे स्थान है जहां से सिंगल ईयर के अंदर 2 क्रॉप ली जा सकती है। तो यह है, मैं ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं कि फ्रेंड्स हमारे देश की बजाय मैक्सिको जो है वह सबसे ज़्यादा इसका एक्सपोर्ट करता है। मैंगो का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा कौन करता है? मैक्सिको।
तो मैंगो एक एवरग्रीन ट्री है, यह है एक, इसमें अगर अदर एडिबल फ्रूट यील्डिंग स्पीसीज देखें तो इसमें मैंगीफेरा सिल्वेटिका, मैंगीफेरा फोरेटिडा, मैंगीफेरा ओडोरेटा और मैंगीफेरा सेसिया जो है वह अदर एडिबल स्पीसीज है। इसका इनफ्लोरेसेंस जिसे हम पेनिकल कहते हैं, तो जो पेनिकल है वह टर्मिनल पेनिकल में बोथ परफेक्ट और मेल फ्लावर का प्रोडक्शन होता है, यानी इसमें इनफ्लोरेसेंस जो है टर्मिनली आता है, एक्जिलरी भी आता है, लेकिन टर्मिनली जो इनफ्लोरेसेंस है पेनिकल है वह ज़्यादा एमर्ज होता है। तो इसमें दोनों ही तरह के फ्लावर मैं ऑलरेडी बता चुके हैं, परफेक्ट यानी हर्मोफ्रोडाइट और मेल फ्लावर दोनों का प्रोडक्शन होता है। फ्रेंड्स यह एक पॉलीगेमस मोनोएसियस येलोइस ग्रीन डेसिडुअस फ्लावर का प्रोडक्शन करने वाली क्रॉप है। पॉलीगेमस का मतलब क्या होता है, ऐसी क्रॉप जिसके अंदर हर्मोफ्रोडाइट और यूनिसेक्सुअल दोनों ही तरह के फ्लावर सेम प्लांट पर जब पैदा होते हैं तो वह पॉलीगेमस स्थिति होती है। और यह मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसका फ्रूट का टाइप जो है वह ड्रूप है और फ्रूट में स्टोन कंटेनिंग वन फ्लैट सीड, एक फ्लैट सीड होता है। तो अब देखते हैं इम्पोर्टेंस, तो मैंगो जो है हाईली प्राइज्ड डेजर्ट फ्रूट ऑफ द ट्रॉपिक्स है, यह विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स है, इसके साथ ही इसमें विटामिन सी भी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। अगर मिनरल्स में देखें तो यह पोटेशियम रिच फ्रूट है। फ्रेंड्स मैंगो का एक गुड कल्टीवर जो है उसमें कम से कम 20% TSS होना अनिवार्य है। और अगर इसमें कंजप्शन में देखें तो मैंगो की जो लीव्स होती है उसको जावा और फिलीपींस के अंदर एज वेजिटेबल की तरह काम में ली जाती है। इसी तरह इंडिया में इसकी जो ट्विक्स है, लीव्स है, उनको हवन में काम में लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी मैंगो इज एक्सेप्टेड एज होली ट्री। यहाँ पर फिर इसकी कुछ इम्पोर्टेंस दी गई है कि आम में 20 से ज़्यादा विभिन्न मिनरल्स विटामिन्स ये पाए जाते हैं और इसमें फैट सोडियम और कोलेस्ट्रॉल रहित होता है, ये मतलब मैंगो में फैट नहीं है। एक चौथाई आम में महज 70 कैलोरी होती है, केले में इससे एक तिहाई, जबकि सेब में इसके मुकाबले 10% ही पोषण मिलता है, यानी यह रिचेस्ट सोर्स ऑफ मिनरल। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं केनिंग पर्पज वैरायटी। केनिंग पर्पज वैरायटी है अल्फोंसो और दशहरी। इसी तरह पोली एम्ब्रियोनिक मैंगो वैरायटी जो है वह मोस्टली साउथ एशिया जैसे कि मलाया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इन सभी स्थानों के मॉइस्ट ट्रॉपिक्स में पाई जाती है। अगर राजस्थान में ग्रोन की जाने वाली कमर्शियल वैरायटीज को देखते हैं तो इसमें आती है बॉम्बे ग्रीन, चौसा, दशहरी और लंगड़ा। और रेगुलर बियरिंग अगर वैरायटीज को देखें तो इसमें आती है बेंगलोरा, नीलम, तोतापुरी, रेड स्माल, रुमानी, मल्लिका और आम्रपाली। तो फ्रेंड्स एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रेगुलर बियरिंग वैरायटी कौन सी है या राजस्थान में ग्रोन वैरायटी में से कौन सी है। अगर इसमें क्लोनल सिलेक्शन जो है पयूर वन जो है वह नीलम से लिया गया, क्लोनल सिलेक्शन है। इसी तरह क्लोन C51 जो है वह दशहरी से लिया गया सिलेक्शन है, इसे CISH लखनऊ में लिया गया। और अगर ऑफ सीजन सिलेक्शन देखें तो निरंजन जो है वह एक ऑफ सीजन सिलेक्शन है, इसे प्रभानी महाराष्ट्रपन में सेलेक्ट किया गया। और पोली एम्ब्रियोनिक वैरायटी विलाई कोम्बन जो है जब इसे रूट स्टॉक की तरह काम में लिया जाता है तो यह अल्फोंसो में ड्वार्फिंग इफेक्ट लाती है। इसी तरह अब हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट वैरायटी और उनके करेक्टर को देखेंगे तो जितनी भी नॉर्थ इंडियन वैरायटी होती है वह मोनो एम्ब्रियोनिक, सेल्फ इनकॉम्पेटिबल और अल्टरनेट बियरर होती है। इसी तरह जो साउथ इंडियन वैरायटी होती है वह पोली एम्ब्रियोनिक होती है और रेगुलर बियरर होती है। नेक्स्ट है बॉम्बे ग्रीन जिसे हम सरोली के नाम से जानते हैं, तो इसमें हाईएस्ट विटामिन सी कंटेंट पाया जाता है। और बॉम्बे ग्रीन को अगर हम ब्रीडिंग पर्पज में काम में लेते हैं तो यह बेस्ट कंबाइनर का काम करती है। और सॉल्ट रेजिस्टेंट रूट स्टॉक देखें तो इसमें कुरुकान, मोवंडन और निकारे जो वैरायटी है वह सॉल्ट रेजिस्टेंट रूट स्टॉक की तरह काम में ली जाती है।
इसी तरह फ्रेंड्स जो अल्फोंसो वैरायटी है, जिसे हम हाफूस या बादामी के नाम से जानते हैं, यह एक एक्सपोर्ट वैरायटी है, लेकिन यह स्पॉन्जिस टिश्यू ससेप्टेबल होती है। इसी तरह अल्फोंसो जो है महाराष्ट्र में ग्रोन की जाने वाली कमर्शियल वैरायटी है। अब पीछे हम वेलाई कोलम्बन देख चुके हैं, तो वेलाई कोलम्बन जो है यह एक एलो पॉलीप्लॉयड, ऑक्टाप्लॉयड और ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है। तो वेलाई कोलम्बन एक ऐसी वैरायटी है जिसमें गुणसूत्र संख्या 2n = 80 होती है। इसी तरह फ्रेंड्स जो मैंगो की मलगोवा वैरायटी है, वह फ्लोरिडा में पोली एम्ब्रियोनिक और इंडिया में मोनो एम्ब्रियोनिक की तरह ट्रीट करती है। नेक्स्ट वैरायटीज में अगर देखें तो आम्रपाली, आम्रपाली एक हाइब्रिड वैरायटी है जो कि दशहरी इंटू नीलम का क्रॉस से बनी हुई वैरायटी है। यह किचन गार्डनिंग के लिए बेस्ट वैरायटी है। इसी तरह फ्रेंड्स जो अंबिका वैरायटी है, वह CISH लखनऊ से लिया गया रेड स्किन्ड हाइब्रिड है। तो फ्रेंड्स इन सब हाइब्रिड को मैंने पीछे वीडियो में बता रखा है, इनके हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन सी जो वैरायटी है वो भाग लेती है, उन सबको मैंने आपको पीछे करवा रखा है। तो अब मैच्योरिटी के बेस पर या पकने की अवधि के आधार पर वैरायटीज़ को अर्ली, मिड और लेट में बांटा गया है। अर्ली वैरायटी है अल्फोंसो, केसर और बॉम्बे ग्रीन। इसी तरह मिड वैरायटी के एग्जांपल है लंगड़ा और दशहरी, और लेट वैरायटी में आती है नीलम, फजली, चौसा, कंचन और रामकेला। तो फ्रेंड्स जो नीलम है वह एक लॉन्ग ट्रांसपोर्टेबल वैरायटी है, यानी लंबी दूरी तक इसका परिवहन किया जा सकता है। इसी तरह चौसा जो है वह स्वीटेस्ट वैरायटी है। तो फ्रेंड्स यह नीलम, चौसा, इनके ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ है, और इनके हर किसी एग्ज़ाम में आपको ये एग्ज़ाम्पल देखने को मिल सकते हैं कि स्वीटेस्ट वैरायटी कौन सी है, या अर्ली वैरायटी, मिड वैरायटी या लेट वैरायटी कौन सी है। इसी तरह फ्रेंड्स एक नई किस्म जो है जापानी मैंगो ताइयो नो तमागो जो है, वह भी रिलीज़ की गई है, और इसका मध्य प्रदेश के जो जबलपुर शहर है उसमें भी प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस पर भी एक वीडियो जो है छोटा सा बनाया हुआ है, इसको भी आप पीछे देख सकते हो। अब देखते हैं क्लाइमेट एंड सोइंग सोइल। तो मैंगो जो है वह ट्रॉपिकल से लेकर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन में इजीली थ्राइव कर सकता है, लेकिन ये स्ट्रिक्टली ट्रॉपिकल क्रॉप है, और इसे समुद्र तल से 1000 मीटर तक की ऊंचाई तक ग्रोन किया जा सकता है, लेकिन उससे अबो नहीं किया जा सकता है। इसका फेवरेबल टेम्परेचर जो है 24 से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन उचित प्रबंधन क्रियाओं के द्वारा इसे 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ग्रोन किया जा सकता है। अगर इसमें रेनफॉल देखें तो यह 25 से लेकर 250 सेंटीमीटर रेनफॉल पर ईयर डिमांड करती है, और इसके प्रोडक्शन के लिए फ्लावरिंग के टाइम ब्राइट सनशाइन और लो ह्यूमिडिटी होना अनिवार्य है। इसी तरह अब हम देखते हैं इसके लिए प्रोडक्शन के लिए डिटेरिमेंटल कंडीशन, यानी कौन कौन सी ऐसी अवस्थाएं हैं जो इसके लिए हानिप्रद हैं। तो इसमें फ्लावरिंग पीरियड के टाइम अगर हाई ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और फ्रोस्ट हो जाती है तो यह इसके लिए हानिकारक है। इसी तरह हाई टेम्परेचर और हाई विंड जो है वह भी इसके लिए डिटेरिमेंटल है। जो लंगड़ा वैरायटी है वह हाई विंड वेलोसिटी से इफ़ेक्ट होती है, लेकिन तमूरिया जो है वह इसको टॉलरेट कर सकती है। इसी तरह फ्रूट सेट के टाइम अगर रेनफॉल हो जाती है तो यह भी एक डिटेरिमेंटल कंडीशन की तरह काम करती है। अब देखते हैं सोइल। तो फ्रेंड्स मैंगो कल्टिवेशन के लिए डीप वेल ड्रेन्ड सोइल जो है होना ज़रूरी है, और डीप अगर देखें तो 180 सेंटीमीटर जो सोइल डीप होना अनिवार्य है, और इसका पीएच देखें तो फेवरेट पीएच जो है 5.5 से 7.5 तक रहता है। फ्रेंड्स मैंगो की क्रॉप को हैवी ब्लैक कॉटन सोइल, एल्केलाइन रॉकी वाटर लॉक्ड सोइल में ग्रोन नहीं किया जा सकता है। इसकी जो मालभोग वैरायटी है वह वाटर लॉगिंग कंडीशन के लिए हाईली ससेप्टिबल है। अब फ्रेंड्स यहां पर मैंगो कल्टीवेशन में आगे बढ़ने से पहले हम मैंगो में किए गए इम्पोर्टेंट वर्क और उससे एसोसिएटेड पर्सन और प्लेस को देखेंगे। तो सबसे पहले है मैंगो हाइब्रिडाइजेशन। मैंगो हाइब्रिडाइजेशन को बंस एंड प्रयाग ने 1911 में पुणे में किया। इसी तरह
केजिंग टेक्निक ऑफ ब्रीडिंग है या डॉक्टर अरन सिंह इसे एसोसिएटेड है। स्पॉन्जी टिश्यू जो है चीमा एंड धनी ने 1934 में इसको ऑब्जर्व किया। ब्लैक टिप को वुड हाउस ने 1909 में, माल फॉर्मेशन को 1891 में बिहार में ऑब्जर्व किया गया। इसी तरह इंटरनल नेक्रोसिस है, उसे संत राम के द्वारा 1972 में ऑब्जर्व किया गया, जिन्हें मोहम्मद किदवई अवार्ड मिल चुका है। इसी तरह जो सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग है, इनको अमीन एट ऑल ने डेवलप किया। और अगर इसमें 69 मैंगो स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन जो देखें तो वह बम्पार्ड और कोस्टरमैन के द्वारा 1993 में किया गया। अब देखते हैं इसमें प्रोपिगेशन। तो फ्रेंड्स, मैंगो को जो प्रोपिगेशन है वह सीड और वेजिटेटिव मीन्स दोनों से किया जा सकता है। तो जितनी भी साउथ इंडियन वैरायटीज़ होती है वह पॉली एम्ब्रियोनिक होती है, इसलिए अगर उनको सीड से प्रोपिगेट किया जाता है तो टू टू टाइप सीडलिंग मिलती है। लेकिन नॉर्थ इंडियन वैरायटीज़ जो है वह मोनो एम्ब्रियोनिक होती है, इसलिए यहाँ पर वेजिटेटिवली प्रोपिगेशन करना ज़रूरी है। और वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के लिए हमें रूट स्टॉक तैयार करना पड़ता है। तो मैंगो का जो स्टोन होता है उसकी वेबिलिटी जो है 90 से लेकर 100 दिन तक होती है, और जर्मिनेशन जो विद इन 10 to 15 डेज में हो जाता है। और जो 1 ईयर ओल्ड सीडलिंग होती है वह ग्राफ्टिंग के लिए सूटेबल रहती है। अब देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में हम इसको कई तरीके से प्रोपिगेट कर सकते हैं, जैसे कि इनार्चिंग। इनार्चिंग क्या है? वन ऑफ द मोस्ट वाइडली प्रैक्टिस मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग विथ 95% सक्सेस रेट। तो ये जो इनार्चिंग है यह मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है। इन दिस मेथड रूट स्टॉक इज ब्रॉट नियर टू द मदर प्लांट फॉर ग्राफ्टिंग। तो इससे हमने क्या समझा है कि जब हमें इनार्चिंग करना होता है तो इसके लिए हमें ने जो एक साल का जो मूल उन्नत तैयार किया है उसको हम मदर प्लांट के पास लाते हैं ग्राफ्टिंग करने के लिए। इसी तरह नेक्स्ट मेथड आता है विनियर ग्राफ्टिंग। विनियर ग्राफ्टिंग जो है नॉर्थ इंडिया में अपनाया जाने वाला बेस्ट मेथड है। विनियर ग्राफ्टिंग एक कमर्शियल मेथड है जो कि अप्रैल से अक्टूबर में किया जाता है। इन विनियर ग्राफ्टिंग साइनर इज डिटेच्ड फ्रॉम द मदर प्लांट। इनार्चिंग में हमने क्या किया था? इनार्चिंग में हम रूट स्टॉक को लेके गए थे मदर प्लांट के पास, लेकिन विनियर ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, जो साइन होता है उसको मदर प्लांट से अलग कर लेते हैं। द वर्टिकल फ्लैप ऑफ द रूट स्टॉक बार्क इज कम्प्लीटली रिमूव्ड एंड द साइन इज स्लाइस्ड अवे ऑन वन साइड इन अ स्लोपिंग मैनर वाइल ग्राफ्टिंग। अब देखते हैं एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, जिसे हम स्टोन ग्राफ्टिंग कहते हैं। यह एक रिसेंटली यूज किया जाने वाला मेथड है। यह ह्यूमिड रीजन ऑफ कोस्टल वेस्टर्न इंडिया के लिए बेस्ट मेथड है। एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग जो है एफिशिएंट, इकोनॉमिक और रैपिड टेक्निक है, और इसे कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में इसको कमर्शियली अडॉप्ट किया गया है। मैंगो स्टोन्स जो होते हैं उनको पॉलीथीन बैग में ग्रोन किया जाता है, और जब सीडलिंग 8 से 15 दिन की हो जाती है तब उनको 5 सेंटीमीटर पर बी हेडिंग कर दिया जाता है, और उसके बाद में वहाँ पर वेज शेप में कटान देते हुए इसमें साइन को लगा दिया जाता है। और जो 1 ईयर ओल्ड ग्राफ्ट है वह प्लांटिंग के लिए तैयार हो जाता है। तो एपिकोटाइल जो ग्राफ्टिंग या स्टोन ग्राफ्टिंग है, इसका टाइम जो है अगर हम सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन में देखें तो यह मिड अगस्त से लेकर मिड सितंबर है, लेकिन अगर हम मोस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट में देखें तो यह लास्ट वीक ऑफ मई से लेकर लास्ट वीक ऑफ जून तक रहता है। नेक्स्ट आती है सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग। तो इस सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग का स्टैंडर्डाइजेशन डॉक्टर आर एस अमीन के द्वारा किया गया गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। और इस सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग में क्या होता है, इट कैन बी अडॉप्टेड वाइल ग्रोइंग रूट स्टॉक इन सिटू। दैट इज हेल्दी मैंगो स्टोन्स आर प्लांटेड ड्यूरिंग द बिगनिंग ऑफ मॉनसून ऑन वेल कल्टिवेटेड फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 3 to 3 meters। यानी जो सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग है इसमें क्या करना है कि जहाँ पर हमको मैंगो का ऑर्चर्ड लगाना है वहाँ पर हमें बिना रूट स्टॉक तैयार किए हुए ये 3 to 3 meters की डिस्टेंस पर हमको प्लांट लगा देना है।
फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग का स्टैंडर्डाइजेशन डॉक्टर आर एस अमीन के द्वारा किया गया, जो कि गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से है। इट कैन बी अडोप्टेड वाइल ग्रोइंग रूट स्टॉक इन सीटू, दैट इज हेल्दी मैंगो स्टोन्स आर प्लांटेड ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ मानसून ऑन वेल कल्टिवेटेड फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 3 to 3 meters। और इसमें क्या किया जाता है कि जब वो सीडलिंग अपना नेक्स्ट मेथड है सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग। दिस मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग वाज स्टैंडर्डाइज्ड बाय डॉक्टर आर एस अमीन गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। फ्रेंड्स नेक्स्ट मेथड है सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग। इस मेथड को डॉक्टर आर एस अमीन फ्रॉम गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा स्टैंडर्डाइज किया गया है। इट कैन बी अडोप्टेड while growing rootstock in situ, that is healthy mango stone are planted during the beginning of monsoon on well cultivated field at the distance of 3 to 3 meters। और इसमें क्या करते हैं कि जब सीडलिंग 10 to 12 month की हो जाती है तब उसमें वेज ग्राफ्टिंग बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं इरीगेशन। तो फ्रेंड्स बियरिंग ट्री जो होता है, जो फ्रूट बियरिंग ट्री है, उसमें फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज के टाइम 10 to 15 days के इंटरवल पर पानी देना ज़रूरी है। और अगर फ्लावरिंग स्टेज है तो उस समय बेयरिंग ट्री को इरीगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि फ्लावरिंग कम होती है और वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होती है। और हम ये कह सकते हैं कि फ्लावरिंग के टाइम हम इरीगेशन को भी होल्ड कर सकते हैं, कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। अब देखते हैं इंटरकल्चर और इंटरक्रॉपिंग। तो फ्रेंड्स जब न्यूली एस्टेब्लिशमेंट ऑर्चर्ड होता है वहाँ पर हम इंटरक्रॉप में वेजिटेबल जैसे कि अनियन, कैरेट, काउपी, ओकरा, जिंजर, अमरेंथस, इन सबको ग्रोन कर सकते हैं। इसी तरह इनिशियल 4 to 5 years में हम फ्रूट क्रॉप जैसे कि पपाया, फॉल्सा, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, इन सबको भी ग्रोन कर सकते हैं। अब देखते हैं ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। तो फ्रेंड्स इनिशियली जो 2 to 3 years होते हैं उस समय ट्रेनिंग करना ज़रूरी होती है ताकि गुड फ्रेमवर्क डेवलप किया जा सके। और यह क्रॉप जो नेक्स्ट आने वाली जो क्रॉप होती है, बियरिंग स्टेज होती है, उसको यह बियर कर सके। और मैंगो एक एवरग्रीन फ्रूट क्रॉप है, इसलिए इसमें फ्लावर जो है वह टर्मिनली प्रोडक्शन होता है फ्लावर्स का, इसलिए इसमें प्रूनिंग जो है वह डिज़ायरेबल नहीं मानी जाती है। अब देखते हैं फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। तो फ्रेंड्स मैंगो में फ्लावर्स जो है पेनिकल में आते हैं, जो मैंगो का इनफ्लोरेसेंस है उसे पेनिकल कहते हैं। और ये जो टर्मिनली जो शूट्स होती है वहाँ पर इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होता है ऑक्सिलरी बड्स की बजाय, यानी मैंगो में जो इनफ्लोरेसेंस होता है वह टर्मिनल शूट पर प्रोडक्शन होता है। और अगर हम फ्लावरिंग टाइम देखें तो फ्लावरिंग टाइम जो है फ्लावर बड डिफरेंशिएशन पर डिपेंड करता है। फ्लावर बड डिफरेंशिएशन क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर पार्ट्स। तो फ्लावर बड डिफरेंशिएशन का टाइम है इसमें अक्टूबर से दिसंबर। तो मैंगो में ओनली 0.1% परफेक्ट फ्लावर जो है वही फ्रूट की मैच्योरिटी तक जा पाते हैं और बाकी फ्लावर्स जो है शेडिंग कर जाते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए, फ्लावर शेडिंग को रोकने के लिए 2,4-D 10 ppm का स्प्रे किया जाता है फ्लावर इनिशिएशन के टाइम। अगर हम इसमें हाईएस्ट परफेक्ट फ्लावर का देखें तो लंगड़ा वैरायटी है उसमें 68.9% तक हाईएस्ट परफेक्ट फ्लावर पाए जाते हैं। लेकिन अगर लोवेस्ट परफेक्ट फ्लावर देखें तो यह रूमानी वैरायटी है, रूमानी में केवल 0.74% परफेक्ट फ्लावर ही पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैंगो में अगर हम फ्लावर इंडक्शन को देखें तो फिलीपींस के अंदर पोटेशियम नाइट्रेट और स्मटकिंग के द्वारा फ्लावरिंग इंडक्शन किया जाता है। इसी तरह महाराष्ट्र और गुजरात में रेगुलर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने के लिए अल्फोंसो और केसर में पेक्लोबिट्राजोल 5 ग्राम पर ट्री एप्लीकेशन की जाती है। और मैंगो में फ्रूट ड्रॉप को रिड्यूस करने के लिए 2,4-D 10 ppm का स्प्रे किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैंगो में परफेक्ट फ्लावर और मेल फ्लावर का जो प्रोपोर्शन है पेनिकल में, उस प्रोपोर्शन को बहुत सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर। तो
तो फ्रेंड्स अगर कूल एनवायरनमेंट होता है तो कूल होता है उस समय मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल फ्लावर का प्रोडक्शन होता है, लेकिन वार्मर एनवायरनमेंट में परफेक्ट फ्लावर का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इसी तरह ट्री की इनर कैनोपी में जो लोकेटेड पेनिकल्स होते हैं उसके अंदर परफेक्ट फ्लावर का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और आउटर साइड में यह कम होता है। इसी तरह जो पेनिकल का जो टर्मिनल पोर्शन है वहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट फ्लावर का प्रोडक्शन होता है, और अडल्ट ट्री जो होता है उसके अंदर भी यंग ट्री के बजाय ज़्यादा परफेक्ट फ्लावर का प्रोडक्शन होता है। और इसी तरह फ्रेंड्स जो अर्ली फ्लावरिंग होती है उस समय हाई सेक्स रेशियो पाया जाता है, यानी लो नंबर ऑफ परफेक्ट फ्लावर पाए जाते हैं और मेल फ्लावर है उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इसी तरह जो लेट एमर्जिंग पेनिकल्स होते हैं उसके अंदर हाई परसेंटेज ऑफ परफेक्ट फ्लावर पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ऑफ ईयर में अगर हम फ्लावरिंग इंड्यूस करना चाहते हैं तो इसके लिए पैक्लोबुट्राजोल 2 ml पर ट्री सोइल ड्रेंचिंग की जाती है। और अगर फ्रूट रिटेंशन को देखें तो हाईएस्ट फ्रूट रिटेंशन जो है दशहरी में पाया जाता है। और मैच्योरिटी इंडिसेस देखें तो फ्रेंड्स मैंगो में मैच्योरिटी का पता लगाने के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है उसे मेजरमेंट किया जाता है। अल्फोंसो में यह 1.01 से 1.02 है और दशहरी में यह स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.0 है, यानी इस स्पेसिफिक ग्रेविटी पर फ्रूट जो है मैच्योर माने जाते हैं। अब देखते हैं पोलिनेशन एंड फ्रूट सेट। तो फ्रेंड्स मैंगो जो है वह एक हाईली क्रॉस पोलिनेटेड एंटोमोफिलस क्रॉप है। इसमें जो पोलिनेशन है वह कॉमन हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका के द्वारा होता है। इसमें फ्लावर जो है हर्मोफ्रोडाइट और परफेक्ट फ्लावर होते हैं और यह प्रोटोगाइनस होते हैं। तो प्रोटोगाइनस क्या होता है? प्रोटोगाइनस और प्रोटेंड्री यह जो स्थितियां हैं यह क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देने वाली स्थितियां हैं। और मैंगो में जो फ्लावरिंग पीरियड है वह 2 to 3 weeks तक ही रहता है। इनफ्लोरेसेंस जो होता है उसमें मेल और परफेक्ट फ्लावर जो है वह पर पेनिकल 1000 से लेकर 6000 फ्लावर का प्रोडक्शन होता है। तो फ्रेंड्स मैंगो में दशहरी, लंगड़ा, चौसा और बॉम्बे ग्रीन जो है वह सेल्फ इनकॉम्पेटिबल वैरायटी है, और यह सेल्फ इनकॉम्पेटिबल वैरायटी जो है सेल्फ इनकॉम्पेटिबल क्यों है? क्योंकि इनमें इनसफिशियंट ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। तो यह जो सेल्फ इनकॉम्पेटिबल वैरायटी है इनको हाइब्रिडाइजेशन वर्क में काम में लिया जाता है। तो फ्रेंड्स मैंगो में फ्रूट सेटिंग को एनहेंस करने के लिए NAA 200 ppm का जो है एक्सोजिनस एप्लीकेशन किया जाता है, और यह कब किया जाता है? फ्लावर बड इनिशिएशन के समय। अब देखते हैं पार्थेनोकार्पी इन मैंगो। तो फ्रेंड्स पार्थेनोकार्पी जो है मैंगो में कॉमन नहीं है, लेकिन जो दशहरी कल्टीवर है उसके अंदर यह 5.44% तक पाई गई है। और यह जो पार्थेनोकार्पी है यह कैसे क्यों होती है? इट मे बी ड्यू टू प्रिवेलिंग लो टेम्परेचर ड्यूरिंग फ्लावरिंग, रिड्यूस्ड एक्टिविटी ऑफ पोलिनेटर्स, एब्सेंस ऑफ पोलिनेटिंग ट्रीज एंड नेचुरल सेल्फिंग। यानी फ्लावरिंग के टाइम अगर लो टेम्परेचर हो जाती है, पोलिनेटर्स की एक्टिविटी कम होती है, पोलिनेटिंग ट्री नहीं होती है या नेचुरल सेल्फिंग होती है तो यह पार्थेनोकार्पिक स्थिति आती है। और इसी तरह ग्रोथ रेगुलेटर्स का प्रयोग करके भी हम पार्थेनोकार्पिक को इंड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए NAA 10 ppm की जो स्प्रे है वह एंथेसिस के टाइम करनी है, उसके बाद में NAA 10 ppm और जिब्रेलिन 250 ppm फोर्टनाइटली इंटरवल अगर स्प्रे की जाती है तो भी मैंगो में पार्थेनोकार्पी इंड्यूस की जा सकती है। और अगर हम फ्रूट ड्रॉप देखें तो मैंगो में फ्रूट ड्रॉप जो है मस्टर्ड और पी स्टेज पर ज़्यादा पाया जाता है, और इकोनॉमिक ईयर जो है वह 10th ईयर पर प्राप्त की जा सकती है। और मैंगो का जो फ्रूट है वह फ्लावरिंग के 5 to 6 months बाद हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। हार्वेस्टिंग स्टेज देखें तो यह मैच्योर ग्रीन फ्रूट है, क्योंकि यह एक क्लाइमेटिक फ्रूट है इसलिए इनको हार्वेस्टिंग करके इनको स्टोरेज में राइपन किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इनको मैच्योर ग्रीन स्टेज पर क्यों हार्वेस्ट किया जाता है?
तो ऑलरेडी बता चुके हैं ये क्लाइमेक्टरिक फ्रूट है। और अगर इसको लॉन्ग टाइम तक हम इसको फ्रूट को पेड़ पर स्टे करते हैं तो इससे बर्ड्स के द्वारा डैमेज होने का डर रहता है, इसलिए इसको टाइमली हार्वेस्ट किया जाता है। तो मैंगो की जो हार्वेस्टिंग है वह इसके पेडिसल के साथ करनी चाहिए, यानी जो फल है उसके डंठल के साथ ही इसकी तुड़ाई करनी चाहिए। इंडिया में मैंगो की अवेलेबिलिटी मार्च से मिड अगस्त तक बनी रहती है, और अगर हम स्टेट वाइज अवेलेबिलिटी देखते हैं इंडिया में तो आंध्र प्रदेश में यह मार्च से मिड अगस्त और राजस्थान में मई से जुलाई तक उपलब्ध रहता है। अब देखते हैं यील्ड, तो फ्रेंड्स एवरेज मैंगो ट्री से 8 टन पर हेक्टर यील्ड ली जा सकती है, और नंबर ऑफ फ्रूट पर ट्री देखें तो यह 1000 से लेकर 2000 फ्रूट पर ट्री होता है। अब देखते हैं पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग एंड स्टोरेज, तो फ्रेंड्स आम्रपाली के अंदर सेल्फ लाइफ और हाई क्वालिटी राइप फ्रूट को ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना है, इन्हें 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 85 से 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर स्टोरेज करना है। और अगर स्टोरेज टेम्परेचर हम देखें तो जो मैच्योर फ्रूट होता है उनको 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड और राइपन फ्रूट को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स यह जो मैंगो है वह लो टेम्परेचर के लिए हाईली ससेप्टेबल होता है, इसलिए इनको बिलो 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्टोर नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं राइपनिंग, तो राइपनिंग में जो पील कलर है वह कंज्यूमर एक्सेप्टेबिलिटी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी जितना अच्छा कलर होगा उतना ही यह कंज्यूमर के लिए एक्सेप्टेबल होगा। तो जो लॉस ऑफ ग्रीन कलर है और डेवलपमेंट ऑफ येलो कलरेशन है उस वह जो है कंप्लीट लॉस ऑफ क्लोरोफिल और 5-fold इंक्रीज इन कैरोटीनॉइड के कारण होता है। तो फ्रेंड्स बेटर राइपनिंग ऑफ फ्रूट लेने के लिए ग्रोथ रेगुलर ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। जो लंगड़ा वेराइटी, फ्रेंड्स अब देखते हैं राइपनिंग, तो राइपनिंग में क्या है, पील कलर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंज्यूमर एक्सेप्टेबिलिटी, जितना अच्छा पील का कलर होगा उतना ही वह कंज्यूमर के लिए एक्सेप्टेबल होगा। तो यह जो लॉस ऑफ ग्रीन कलर है और डेवलपमेंट ऑफ येलो पिगमेंटेशन है वह किससे एसोसिएटेड है, वह एसोसिएटेड है कंप्लीट लॉस ऑफ क्लोरोफिल और 5-fold इंक्रीज इन कैरोटीनॉइड से। तो फ्रेंड्स तो मैंगो का फ्रूट है उसमें बेटर राइपनिंग करने के लिए ग्रोथ रेगुलेटर का ट्रीटमेंट किया जाता है। जो लंगड़ा वैरायटी है उसमें कैल्शियम कार्बाइड 6% और इथरेल 800 ppm के सॉल्यूशन से अगर इनको ट्रीट किया जाता है तो इसमें बेटर राइपनिंग होती है। इसी तरह पैलेटेबिलिटी इज बेस्ट व्हेन द फ्रूट्स आर ट्रीटेड विद 2 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड पर 4.5 किलोग्राम बॉक्स। तो पैलेटेबिलिटी से मतलब क्या होता है, पैलेटेबिलिटी मतलब विद एन एग्रीएबल और अ प्लीजेंट टेस्ट, यानी जितना प्लीजेंट टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो जब फ्रूट्स को 2 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड से ट्रीट किया जाता है तो यह पैलेटेबिलिटी को इंक्रीज करता है। इसी तरह बेस्ट अपीयरेंस के लिए और लोवेस्ट फंगल स्पॉइलेज के लिए मैंगो को हॉट वाटर ट्रीटमेंट 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4-5 मिनट तक किया जाता है। अब देखते हैं सेल्फ लाइफ ऑफ मैंगोज, तो जो सेल्फ लाइफ है मैंगो उसको कैसे एक्सटेंड किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैंगो एक पेरिशेबल क्रॉप है, इसलिए फ्रूट राइपनिंग को रिटार्ड करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसमें कुछ राइपनिंग रिटार्डेंट्स जैसे कि फंजीसाइडल वैक्स कोटिंग 6% का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह जिब्रेलिक एसिड 200 ppm, साइकोसेल 400 ppm और कैल्शियम क्लोराइड जो है 2% में फ्रूट डिपिंग 5-2 मिनट तक करने पर यह राइपनिंग को डिले करता है। इसी तरह फ्रूट्स की जिब्रेलिक एसिड 150 ppm, बाविस्टिन 1000 ppm में 5 मिनट के लिए डिप कर देने पर फ्रूट्स की सेल्फ लाइफ एक्सटेंड हो जाती है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम होते हैं और फ्रूट की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ग्रोथ रिटार्डेंट्स का प्रयोग करके हम इसमें सेल्फ लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं।
अब देखते हैं इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज। तो इसमें सबसे पहले इंसेक्ट है मैंगो होपर और जेसिड। तो इसका साइंटिफिक नेम है एम्ब्रीटॉर्स एटकिंसोनी। इसमें अडल्ट और निम्फ दोनों ही हार्म पहुंचाते हैं। और जो फ्लावरिंग पीरियड है यह मोस्ट डिवास्टेटिंग पीरियड है, इस समय यह सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। और इसके साथ ही यह जो मैंगो होपर है वह जो हनी ड्यूज का रिलीज़ करता है, तो इससे यह जो सूटी मोल्ड है उसका भी स्प्रेड होता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंगो होपर जो है वह एक मेजर पेस्ट है। इसी तरह नेक्स्ट पेस्ट आता है लीफ गॉल मेकर। फिर आता है सूट बोरर। सूट बोरर में जो कैटरपिलर है वह डैमेजिंग स्टेज है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? शुलमेक्टिका ट्रांसवर्सा। और इसका कंट्रोल मेजर देखें तो इसके लिए कार्बेराइल 0.2%, मोनोक्रोटोफॉस 0.04% को फोर्टनाइटली इंटरवल पर न्यू फ्लसेस के इनिशिएशन के टाइम स्प्रे करना ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट आता है शूट गाल साइला। तो शूट गाल साइला जो है इसका साइंटिफिक नेम है साइला सिस्टेलेटा। और यह तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश का सीरियस इंसेक्ट है। इसमें क्या होता है कि जो बर्ड्स होती है वह हार्ड कॉनिकल गॉल्स में बदल जाती है और ग्रोथ ऑफ शूट और इनफ्लोरेसेंस जो है एडवर्सली इफेक्ट होती है। तो इसको भी सूटेबल इंसेक्टिसाइड के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है बार किटिंग कैटरपिलर इंटरबेला क्वाड्रिनोटाटा। इसका कंट्रोल मीजर क्या है? इसमें जो बार्क ईटिंग करने वाले कैटरपिलर्स होते हैं उनको, वो जो टनल्स बनाते हैं उनको रिमूव कर देना चाहिए, या जो जहाँ पर इन्होंने स्थान बना लिया है वहाँ पर केरोसिन या केरोसिन और पेट्रोल या इथाइलिन ग्लाइकोल और केरोसिन का मिक्सचर जो है 1:3 के रेशो में वहाँ पर पोर करना है। नेक्स्ट आता है इंसेक्ट फ्रूट फ्लाइज डॉकस डॉर्सेलिस। तो फ्रूट फ्लाइज के जो मैगेट होते हैं वह पल्प में फीड करते हैं और जो इसका पल्प है उसको ओप स्पेलिंग रोटन सेमी लिक्विड में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो अडल्ट फ्लाइज होती है वह फ्रूट की सरफेस के अंडर नीथ में एग लेइंग करती हैं बिफोर राइपनिंग। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? इसको कंट्रोल करने के लिए ट्रैप बनाए जाते हैं। तो जो ट्रैप होते हैं उसमें 100 ml इमल्सन ऑफ मिथाइल यूजिनोल, 10.1% मेलाथियन 0. और इसको मैंगो ऑर्चर्ड में अप्रैल से जून में लगाया जाता है। और इसमें 1 hectare ऑर्चर्ड के लिए 10 trap सफिशियंट रहते हैं। नेक्स्ट आता है इंसेक्ट स्टेम बोरर। स्टेम बोरर का साइंटिफिक नेम है बैक्टोसेरा रूफॉर्मिकुलेटा। तो फ्रेंड्स, यह जो स्टेम बोरर है मैंगो पर अटैक करने के अलावा फिग, जैक फ्रूट मलबेरी और एप्पल पर भी जुलाई से अगस्त में अटैक करता है। और स्टेम बोरर को कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना है कि जो स्टेम के अंदर ये जो बोरर ने जो टनल्स बनाई हैं उनको हार्ड वायर के द्वारा क्लीन करना है और उसके अंदर केरोसिन ऑयल या पेट्रोल या फॉर्मेलिन की पावरिंग करनी है और उनको प्लगिंग कर देना है इन्हीं केमिकल्स को या ऑयल को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट आता है मिली बग। मिली बग जो है इसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसिका मैंगीफेरा। यह एक पॉलीफेगस इंसेक्ट है और इसकी नेम फॉर अडल्ट स्टेज है। यह डेंजरस होती है। यह एप्पल एप्रिकोट बेर सिट्रस फालसा फिग ग्रेप वाइन गुआवा जामुन लीची मलबरी पीच प्लम पोमग्रेनेट सभी पर अपना इफेक्ट दिखा सकती है। यानी मैंगो के अलावा इन क्रॉप को भी यह इफेक्ट करती है। अगर इसके हम कंट्रोल मेजर को देखें तो नवंबर से दिसंबर के महीने में जो पेड़ का ट्रंक है उसमें बेंडिंग की जाती है, बेंड ऑफ ग्रीज की जाती है या एल्काथीन जो बेंडिंग है वह की जाती है। इसके अलावा कार्बेराइल 0.2% या मोनोक्रोटोफॉस 0.04% की भी स्प्रे की जाती है। अब नेक्स्ट आता है इंसेक्ट मैंगो एफिड। इसका साइंटिफिक नेम है टॉक्सोपटेरा ओडिनी। और यह जो मैंगो एफिड है वह फ्लावरिंग टाइम के टाइम ज़्यादा इफेक्ट करता है मैंगो क्रॉप को। तो अगर इसमें कंट्रोल मीजर को देखें तो इसको कंट्रोल करने के लिए 0.05% फॉस्फोमिडोन या डाई मेथोइड की स्प्रे फ्लावरिंग पीरियड में हमको करनी है।
नेक्स्ट और लास्ट इंसेक्ट आता है स्टोन वीविल। स्टोन वीविल का साइंटिफिक नेम है क्रिप्टोराइकस मैंगीफेरा। कुछ जगह इसका यह नाम भी दिया गया है स्टेरनोसेट्स मैंगीफेरा। तो यह जो स्टोन वीविल है यह ईस्ट और साउथ इंडिया का सीरियस पेस्ट है। और इसमें क्या होता है कि जो स्टोन वीविल का लार्वा है वह पल्प से स्टोन में मूव कर जाता है। और इसका अगर कंट्रोल मीजर देखें तो यह इरेडिएशन के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। और यह एक क्वारंटाइन इम्पोर्टेंस वाला पेस्ट है। तो फ्रेंड्स, आपने वेपोर हीट ट्रीटमेंट नाम सुना होगा VHT। तो ये जो VHT है इट इज़ नेसेसरी फॉर डिसइंफेक्शन अगेंस्ट स्टोन और नट वीविल एंड फ्रूट फ्लाइज एंड इट इज़ मैंडेटरी फॉर एक्सपोर्ट ऑफ मैंगो टू USA एंड जापान। तो फ्रेंड्स, USA या जापान में जब हम मैंगो का एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें यह वेपोर हीट ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है ताकि स्टोन वीविल और नट वीविल या फ्रूट फ्लाई है इनको इनसे डिसइंफेक्ट किया जा सके। अब देखते हैं मैंगो में लगने वाली इंपॉर्टेंट डिजीज़। तो सबसे पहले आता है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू एक फंगल डिजीज़ है जो कि ओइडियम मैंगीफेरी फंजाई के द्वारा होती है। और पाउडरी मिल्ड्यू मैंगो की मेजर डिजीज़ है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी मेजर डिजीज़ है मैंगो की, तो यह पाउडरी मिल्ड्यू है। तो फ्रेंड्स, यह पाउडरी मिल्ड्यू जो है फरवरी मार्च के टाइम ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें उन फंगजाई को फेवरेबल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मिलती है, यानी वार्म ह्यूमिड वेदर और कूल नाइट जो है वह पाउडर मिल्ड्यू के स्प्रेड के लिए उत्तम माना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं न्यूली सेट फ्रूट जो होते हैं वो वाइट पाउडरी मास से कवर्ड हो जाते हैं और जो अफेक्टेड फ्लावर्स होते हैं वह ओपनिंग नहीं कर पाते हैं। इसी तरह यंग लीव्स जो होती है वह कर्ल कर जाती है और डिस्टॉर्टेड हो जाती है। तो पाउडर मिल्ड्यू को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसका कंट्रोल 0.2% वेटेबल सल्फर या 0.2% सल्फेक्स या कैरेथिन 0.1% के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। तो कंट्रोल मीजर में ये वाला कंट्रोल मीजरमेंट जो कैरेथिन है 0.1%, यह बहुत बार एग्जाम में आता है कि 0.1% कैरेथिन का प्रयोग करके पाउडर मिल्ड्यू को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा बाविस्टिन बेनलेट यह भी जो है कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज आती है एंथ्रेक्नोज एंड स्टार्क एंड रोट। तो एंथ्रेक्नोज और स्टार्क एंड रोट जो है इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म है कोलेटोट्रेकम ग्लोरियोस्पोरिडस फंजाई। तो यह जो ह्यूमिड और हाई रेनफॉल एरिया है जहाँ पर टेम्परेचर 24 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है वहाँ पर यह ज़्यादा सीरियस होता है। और अगर इसके सिम्टम्स में देखें तो लीफ स्पॉट, ब्लॉसम ब्लाइट, विदर टिप, ट्यूब ब्लाइट और फ्रूट रोट, यह सभी एंथ्रेक्नोज के सिम्टम्स हैं। यंग फ्रूट जो होते हैं उसमें ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं, श्रिवल कर जाते हैं और यह फल गिर भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंगो की जो नीलम वैरायटी है वह एंथ्रेक्नोज के लिए ससेप्टिबल है लेकिन एडवर्ड वैरायटी जो है वह एंथ्रेक्नोज की रेजिस्टेंट वैरायटी है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ टू कंट्रोल एंथ्रेक्नोज। इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग बोर्डेक्स मिक्सचर स्प्रे 3:3:50 के रेशो में, ब्लाइटॉक्स 0.3%, बाविस्टिन 0.1% या बेनलेट 0.1%। फरवरी अप्रैल और सितंबर के मंथ में अगर स्प्रे किया जाता है तो एंथ्रेक्नोज को कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरह जो अफेक्टेड फ्रूट्स होते हैं उनको हॉट वाटर 51 डिग्री सेंटीग्रेड के हॉट वाटर में 15 मिनट तक अगर डिप किया जाता है स्टोरेज से पहले तो यह इफेक्ट नहीं रहता है। इसी तरह इस इंसिडेंस को रिड्यूस करने के लिए स्टोरेज से पहले फ्रूट को बेनोमाइल सोल्यूशन 500 ppm में डिप किया जाता है। नेक्स्ट आता है बैक्टीरियल कैंकर और बैक्टीरियल स्पॉट। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है स्मॉल डार्क ग्रीन वाटर सॉक्ड स्पॉट्स बनते हैं और यह जो स्पॉट्स होते हैं यह रेज्ड कर जाते हैं, उठ जाते हैं। ब्लैक स्पॉट्स की फॉर्मेशन जो है वह लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक्स में बदल जाती है और इनमें गम ओजिंग होने लग जाती है। और इसमें कंट्रोल मीजर देखें तो इसको कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 200 ppm का स्प्रे किया जाता है। इसी तरह नेक्स्ट आता है सूटी मोल्ड, यह कोनोडियम स्पीसीज के द्वारा होता है।
तो यहाँ पर हमने डिजीज को देख लिया है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर फीजर जो इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है और उनके क्या क्या कारण हैं इनको देखेंगे। तो फ्रेंड्स पीछे की क्लास में हमने इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर को भी देखा है, वहाँ पर हमने डिटेल से सभी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर को देखा है, तो उनको भी उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में सबसे पहले है क्लस्टरिंग या झुमका। तो यह क्लस्टरिंग या झुमका जो है लो टेम्परेचर, इम्प्रॉपर पोलिनेशन और पुअर फर्टिलाइजेशन के कारण होती है। इसी तरह नेक्स्ट आता है ब्लैक टिप डिसऑर्डर जो है बोरोन डेफिशिएंसी के कारण होता है। इसी तरह ब्रिक किलन से निकलने वाला जो धुआं होता है जिसमें एसिटिलीन CO2 SO2 जो गैसें हैं जो है वह इस ब्लैक टिप को बढ़ावा देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है इंटरनल नेक्रोसिस, यह भी बोरोन डेफिशिएंसी के द्वारा होता है। फिर आता है नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर स्पंजी टिश्यू जो है इसे इंटरनल ब्रेकडाउन के नाम से भी जाना जाता है। यह कन्वेक्टिव हीट के कारण होता है और इसकी ससेप्टेबल वैरायटी जो है अल्फोंसो है, यानी स्पंजी टिश्यू की प्रॉब्लम अल्फोंसो में ज़्यादा है। और इसी की अगर रजिस्टेंट वैरायटी देखें तो फ्रेंड्स जितनी भी अर्का सीरीज वाली वैरायटी है वह स्पंजी टिश्यू के लिए रजिस्टेंट होती है, लेकिन ये जो नीलम और दशहरी वैरायटी है ये बिल्कुल फ्री है, इनमें कभी भी स्पंजी टिश्यू की प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है मैंगो मॉल फॉर्मेशन। तो मैंगो मॉल फॉर्मेशन जो है लो टेम्परेचर फंजाई के द्वारा होता है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर हैं लेकिन ये लो टेम्परेचर फंजाई जो है वह इम्पोर्टेंस रखते हैं। मैंगो मॉल फॉर्मेशन की ससेप्टेबल वैरायटी है बॉम्बे ग्रीन, यानी मैंगो मॉल फॉर्मेशन की समस्या सबसे ज़्यादा बॉम्बे ग्रीन में पाई जाती है। और मैंगो माल फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए डी ब्लॉसमिंग की जाती है। इसी तरह जो साई सुगंधा वैरायटी है वह मैंगो माल फॉर्मेशन से फ्री है। इसके अलावा रजिस्टेंट वैरायटी है बहादुरान, एलिब, इलायची, इनको ग्रोन करके भी मैंगो माल फॉर्मेशन की समस्या को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर लीफ स्कॉर्चिंग। तो लीफ स्कॉर्चिंग जो है पोटेशियम डेफिशिएंसी के कारण होता है। इसी तरह अल्टरनेट बियरिंग एकांतर फलन की समस्या है, इसमें एक साल फलन होता है एक साल नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए कुलतार या पैक्लोबिट्राजोल 5 से लेकर 10 ग्राम पर प्लांट अगर हम स्प्रे यूज़ करते हैं तो भी यह फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने मैंगो का ओवरऑल स्टडी कर लिया है, मैंगो से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देख लिया है। मैंगो से रिलेटेड हमने 4 से 5 पीछे वीडियो बनाए हैं, वहां पर भी आप इसकी पूरी डिटेल देख सकते हो। तो फ्रेंड्स होप यू एंजॉय दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।